पास ये तो भैया ये कौन सा कैमरा है? ये आपको इसके बाद 6D इसका ये आपको IS1 है। सो व्हाट्स अप गाइस, के सारे आप लोग आप देख रहे अपना एक ब्लॉग, तो आप सोच रहे हो यार मैं चश्मा पहन के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी शानदार होने वाली है। आज मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक मार्केट और जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कैमरे के ऊपर। आप देखते हैं आज की मार्केट में क्या क्या नए नए कलेक्शन आए हैं कैमरे के। अदरवाइज मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पुराने ही होंगे, बट मैं आपको जो भी कलेक्शन आए होंगे ना कैमरे के तो मैं आपको दिखाता हूँ ना। तो चलते हैं सीधा शॉप पे। सो गाइस क्या कहते हैं हम आगे शॉप पे, और सबसे पहले ओनर से मिलते हैं। भैया आपका नाम क्या है? उमेश। तो भैया ये शॉप कहाँ पड़ जाएगी हमारी? ये सर आपको दिल्ली में चांदनी चौक फोटो मार्केट में गली नंबर, ये गली नंबर नहीं, फोटो मार्केट कहते हैं बंटी सेल्स के नाम से। तो बंटी सेल्स के नाम से, और अगर जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको साइड में आई बटन आ रहा हूँ उस पर जाके विजिट कर लिए। एड्रेस वगैरह सारा सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो भैया सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से कैमरे हैं वो बताइए आप। हमारे पास कैमरा सारे मॉडल अवेलेबल है, हर तरीके से मिल जाएंगे कि छोटे से लेके बड़े तक। अच्छा, हम लोग को तो बहुत अच्छे लेवल पे काम है, प्रोफेशनल लेवल पे काम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर जो प्रोफेशनल लोग आते हैं फोटोग्राफर होता है तो हर वैरायटी मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा, तो भैया जैसे किसी भी कैमरे में कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप ठीक कर देते हैं, या कोई जैसे आपके यहाँ से परचेज करके नहीं गया हो और कहीं बाहर से आया तो? कोई हम बिल्कुल तो कोई ठीक होगा। अच्छा, रिपेयर हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले देख लो गाइस अगर आपके कैमरे में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है ना तो आप यहाँ पे शॉप पे विजिट कर सकते हैं, और मैं नीचे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, भैया का फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैमरे हैं। तो भैया सबसे पहले हमारे पास कौन सा कैमरा दिखाइए। सर निकॉन का D7000 मिल जाएगा आपको। अच्छा, 35000 में है। अच्छा, और आप इसी के कंडीशन अगर पुराने में जाएंगे तो आपको 22, 23, 24 इस रेंज में मिलेंगे। इन कैमरों की सर मेन क्या होता है, कंडीशन पे डिपेंड होता है। अच्छा, जो कैमरा कितने यूज है उस हिसाब से प्राइस होते हैं, इनके प्राइस रेगुलर फिक्स नहीं होते, ठीक है ना। जैसा चीज़ हमारे पास आते हैं हम उस रेट के हिसाब से देते हैं, जो जेन्युइन रेट है। तो जैसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सस्ता महंगा। अभी सर ब्रांड न्यू कंडीशन है, इसी कैमरे को आप डबकर नहीं लेंगे कंपनी में तो सॉरी 65-70 हज़ार रुपये का रेट था। अच्छा, लेकिन अब हम आपको 35000 रुपये दे रहे हैं बिल्कुल न्यू कंडीशन कैमरा। अच्छा, तो इसके साथ क्या कहते हैं हमें बैग वगैरह सब मिल जाएगा ना? इसके बैग देखिए, बैग और मेमोरी कार्ड दो चीज़ अलग से लेनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा। आपको इसका बेल्ट मिलेगा, इसका चार्जर मिलेगा, इसका बैटरी मिलेगा, इसका कैप मिलेगा। अच्छा, ये सामान आपको एसेसरी मिलेगी। तो देख रहे हो गाइस इसका क्या कहते हैं बेल्ट और क्या कहते हैं चार्जर आपको इसका मिल जाएगा साथ में। और कितने का पड़ने वाला है ये? 35000 का। ये 35000 का। और इसी में आप पुराना ही चला हुआ लेंगे तो आपको 22, 23, 24 जैसा पीस होगा उस हिसाब से। अच्छा, और दिखाइए। ये 5D Mark III मिलेगा आपको। ये आपको 75000 का। ये 75 75000 का पड़ जाएगा यार। फुल फ्रेम कैमरा होता है 5D Mark III। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ये सर फुल फ्रेम है, ये प्रोफेशनल कैमरे है, ये नया कैमरा करीब 2 लाख प्लस में था रेट। अच्छा, तो गाइस 2 लाख प्लस क्या कहते हैं इसका रेट है रियल है ना, और आपके यहाँ पे कितने का पड़ जाएगा? ये आपको 75 का पड़ जाएगा। और ये आपको मिलेगा D90 आपको 26000 का।
अच्छा ये ब्रांड न्यू कंडीशन, इसी में सेकंड हैंड लेंगे पुराना तो आपको मिल जाएगा 16-17 हज़ार के रेंज में। अच्छा 16-17 हज़ार रेंज में मिल जाएगा ये। हाँ ये आपको इसके डाउन कंडीशन। अच्छा डाउन कंडीशन। हाँ ये तो न्यू कंडीशन है, ये आपको 26 हज़ार रुपये का। अच्छा जैसे इसके साथ और लेंस भी लेना चाहते हैं तो लेंस भी मिल जाएगा? हाँ लेंस भी अगर अलग से लेना चाहते हैं जोन सा लेंस वो मिल जाएगा, उसके पैसे डिडक्शन हो जाएगा। तो लेंस के भी प्राइस हमारे पास देखिए, इसमें तो ऐसे जूम लेंस लगा हुआ 18-105 प्रोफेशनल लेंस होता है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको जूम लेता 70-300 आएगा तो वो 7 हज़ार रुपये का लेंस आता है। अच्छा 70-300 वो आपको इस पे लगेगा फर्स्ट क्लास काम। अच्छा तो एक बार फिर से बता दीजिए क्या प्राइस पड़ जाएगा ये आपको इस कंडीशन में लेंगे तो 26,000। अच्छा अगर इसी कंडीशन में इससे भी अच्छा और भी है तो प्राइस बढ़ जाएगा 1,000-2,000 के ऊपर नीचे होता है। जरूर इस दुकान पे जरूर विजिट करना, ठीक है गाइस। मैं एड्रेस आपको बता दूंगा और ये देख सकते हो आप ऊपर बंटी सेल्स। और ये हमारे पास ये कौन सा मॉडल है? ये सर निकोन कैनन का 80D। 80D हाँ जी। अच्छा इसका क्या प्राइस? ये आपको 60 तेरा बज नहीं रहा 60,000 बज रहा है नहीं तेरा काम नहीं है। LCD है इसमें, टच है, सारे फीचर है लेटेस्ट। अच्छा हाँ तो देख रहे हो गाइस एक बार इनकी कंडीशन देख लो। दुकान जा रहा हूँ, कोई कैमरा पॉलिश नहीं, कोई पेंट नहीं, नेचुरल चीज है। चलो ठीक है राकेश। सो गाइस अब आ जाता हमारे पास ये, तो भैया ये कौन सा कैमरा है? ये आपको कैनन का 6D फुल फ्रेम कैमरा भी है, ठीक है। इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? आपको पड़ेगा 55,000 रुपये का। अच्छा ये हमें पड़ जाएगा 55,000 का। और नया कितने का है ये सर? नया कैमरा जब था ये 1.5 लाख रुपये का। अच्छा 1.5 लाख का था। तो देख लो गाइस ये कंडीशन वगैरह इसकी एक बार चेक करो एकदम ओके, ठीक है। और ये 60D है, इसमें आपको ये 35,000 का कैमरा है, ठीक है। इसमें अगर डाउन कंडीशन जाते हैं तो आपको 25 का भी मिलेगा। 25 का भी मिलेगा, इससे डाउन कंडीशन होगा। अच्छा। न्यू कंडीशन है तो देख लो गाइस। इसके बाद 6D, ये 6D था, ये 6D Mark II। अच्छा ये उससे ऊपर है? हाँ जी ये ऊपर। अच्छा ये हमें कितने का पड़ जाएगा? ये आपको 1,10,000। तो एक बार ये वर्क कर रहा है? हाँ जी वर्क कर रहा है, दिखाना। तो देख लो गाइस इसकी क्लैरिटी देखो, इसमें मैं आ जाऊँगा डिफरेंट से। तो देख लो गाइस यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ और इसकी क्लैरिटी देखो। भैया एक बार फ़ोटो खींच के दिखा दोगे? दिखाना। अच्छा इसमें कार्ड डलेगा? लेकिन कार्ड का फोटो स्टॉक नहीं है। अच्छा अच्छा अगर जैसे इसके साथ कार्ड परचेज करना चाहे तो अलग से लगेंगे? हाँ, वो तो आपको जितने GB की चाहिए जितने के वो आएगा रेट। तो कार्ड का प्राइस क्या हो जाता है? कार्ड आपको 400 500 700 800 जैसे माने ये। अच्छा। उस पे पर है, GB के ऊपर है। तो देखिए गाइस अभी हम फोटो शूट करके दिखाते हैं और ये खड़ा हुआ हमारा मॉडल। चलो कोई बात नहीं, बैटरी प्राइस क्या पड़ जाता है जैसे हम बैटरी लेना चाहें अलग से? बैटरी भैया 1,000-1,200 जैसा लेंगे, अलग अलग बहुत कंपनी है। अच्छा अच्छा हाँ जी उसके ऊपर। तो भैया अरे वो गाइस देख रहे हो यार ये कैमरा क्वालिटी देखो कितनी शार्प है, देख सकते हो। ये मेरी फ़ोटो खींच दी। और दिखाइए भैया और क्या पड़ जाएगा, और क्या है हमारे पास? ये निकॉन का कौन सा मॉडल है? ये 850। ये 850 का? ये 850। अच्छा इसका रेंज क्या होने वाला है? ये आपको मिलेगा 150-1.5 लाख। वैसे 160 का रेट है लेकिन आपको 1.5 तक देंगे हम। अच्छा न्यू सेकेंड हैंड सर? अच्छा सेकेंड हैंड। तो 250 है देख सकते हो गाइस, है ना। और तो ये देखिए गाइस इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा भैया? ये अगर विद लेंस लेते हैं तो भी 150 1,85,000 रुपये। 5D Mark IV है। और इसका मार्केट प्राइस क्या है? ये आपको करीब 225 के। अच्छा तो देख सकते हो गाइस, है ना। ये आपको कितना पड़ जाएगा भैया? ये आपको विद लेंस 150 का पड़ जाएगा विदाउट खाली बॉडी लेना। अच्छा। जाता है 1.5। अंकल हमारे पास लेंस वगैरह भी मिल जाते हैं? लेंस सारे मिल जाएंगे,
अच्छा लेंस सारे मिल जाएंगे। ये कौन सा है एक बार इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? ये कैनन का 70-200 2.8 अच्छा। ये आपको IS-1 है, ये आपको मिलेगा 60,000 का 60,000 का पड़ जाएगा। और इसी में IS-2 लेंगे तो आपको 75,000 का। अच्छा और क्या है हमारे पास, और कौन से कैमरे हैं? बाकी और सारे कैमरे हैं, आपको कोई सा भी चाहिए हो सर, लगभग मोस्टली सारे मॉडल अवेलेबल होता है हमारे पास। अच्छा तो एक बार विजिट करने की ज़रूरत है ना? हाँ जी। तो गाइस देख रहे हो अभी यहाँ पे कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं, हर मतलब सारे मॉडल मिलेंगे। हाँ। स्टार्टिंग कितने तक की हो जाएगी? स्टार्टिंग देखिए सर, निकॉन का मिलता है D40, बहुत ओल्ड मॉडल है, वो 8,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। उसके ऊपर आप जितना मर्जी आप ले लो, सारे मॉडल है, 3100, 3200, 3300 सब है। आपको 1200D, 700D, 1300D, 750, 200D, ये सब मॉडल अवेलेबल है। ठीक है ठीक है। तो गाइज आपको ना एक बार विजिट करने की ज़रूरत है, देख सकते हो काफ़ी सारे मॉडल मिल जाएंगे यहाँ पे। और भैया के पास वो देखो बॉक्स में रखे हुए हैं, और जैसे कोई भी कभी भी कैमरे में कोई दिक्कत आती है ना तो आपको रिपेयरिंग भी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, एक बार ज़रूर विजिट करना। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं अभी देता हूँ आपको बाद में। तो गाइज ये है क्या कहते हैं शॉप का एड्रेस, ये फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह सब लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना और विजिट कर लेना। ठीक है गाइज़।